वेलकम स्टूडेंट, जस्ट गोइंग टू डिस्कस योर थर्ड चैप्टर इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसको डिस्कस करना था, डेमोक्रेसी को डिस्कस करके कर लिया जाए कि डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव इक्वल शेयर ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल पावर। जनता का है ना, कसम डेमोक्रेसी फॉर्मल गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री गवर्नेंस में वो जनता फ्रीली पार्टिसिपेट करती है। और एक और फर्म है जो अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, उन्होंने कहा था, सुंदर डिफिनेशन देना डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तीन चीज यार, ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ओके। ये तीन जो है ऑफ जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए जो गवर्नमेंट, दैट इज द डेमोक्रेसी। यानी मेन थीम है इसका, इसमें जनता जो है ना पार्टिसिपेट करती है। और जो इसका जो मेन जो थीम है आपका, प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी की, जो सारा जो कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, वो पीपल है, जनता है। होने बाबू जनता है। अब चलते हैं थोड़ा इसको समझने के पहले, इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेशन को पहले थोड़ा सा पीछे चीज को मेमोराइज कर लेते हैं। आपने पढ़ाया था मैंने, गवर्नमेंट को तीन भागों में बांटा गया था। गवर्नमेंट हैव थ्री ऑर्गन, थ्री ऑर्गन ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन, गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन में डिवाइड किया गया, थ्री ऑर्गन। फर्स्ट है आपका डेमोक्रेसी, हम बता डेमोक्रेसी को दो भागों में बांटा गया है। डेमोक्रेसी है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कौन है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ओके। तो दोनों जो बेसिक अंतर क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो डिफरेंस क्या है वो यही है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपुल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, एंड इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपुल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो पीपुल जो है ना पार्टिसिपेट किसी द्वारा, किसी रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्टली कैन नॉट पार्टिसिपेट, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है ना। इसके पीपल के बदले पीपल यहाँ पे डायरेक्टिव यहाँ पे जो पीपल है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द यूनिवर्सल एड फ्रेंचाइज के द्वारा, जो वोटिंग के थ्रू द वोट दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपुल। जो रिप्रेजेंटेटिव है
दे कैन टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. ओके, और यहाँ पे डायरेक्ट पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है, यही है यहाँ पे. ओके, एक बड़े से कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, तो कैसे वहां पर डिसीजन लिया जाता है थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसी चैप्टर में पढ़ना है डेमोक्रेसी इज नाइदर पॉसिबल नॉन नेसेसरी फॉर पीपुल टू गवर्न डायरेक्टली. यह संभव नहीं है किसी भी कंट्री के लिए. सबसे बड़ी कंट्री भारत एक बहुत बड़ी विशाल कंट्री है, भाष कंट्री है, यहाँ पे संभव नहीं है. दैट इज नॉट पॉसिबल कि पीपुल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. सो वी चूज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हमारा जो कंट्री है यहाँ की गवर्नमेंट है वो कैसे रन करता है थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव. ओके, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा पीपल जो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यहाँ पे रूल करते हैं, है नहीं है. ओके, अब थोड़ा सा बता दें यहाँ पे ऑर्डर बता दें आपको आगे चैप्टर पढ़ने में थोड़ी सी सुविधा होगी. ओके, तो देयर आर थ्री ऑर्डर्स ऑफ द कंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट के थ्री ऑर्डर्स में बांटा गया. आपने लास्ट में पढ़ा होगा, बताया था आपको. फर्स्ट है आपका जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, आगे फिर से चैप्टर डिस्कस करेंगे हम. सेकेंड है आपका एग्जीक्यूटिव, थर्ड है आपका जुडिशियरी. यह गवर्नमेंट को स्मूथली रन कराने के लिए गवर्नमेंट लोकेशन पता हो, अपना सीमा पता हो, जो किसी के राइट में लोकेशन नहीं पड़ सकते हमारा राइट है, सबके वर्ड डिसाइड कर दिए गए जिससे गवर्नमेंट स्मूथली रन करे. लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉ, टू मेक लॉ, एग्जीक्यूट द लॉ. एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट द लॉ. इसका आप एग्जीक्यूशन बड़े भी कर सकते हैं, जुडिशियरी टेक केयर ऑफ लॉ, टेक केयर लॉ, तो लॉ की देखभाल करता है, देखता है. तो लेजिस्लेचर काम है टू मेक द लॉ, जो लॉ कानून बनाता है. एग्जीक्यूटिव काम है टू एग्जीक्यूट द लॉ, दैट इज द एग्जीक्यूशन बड़े. जुडिशियरी या फिर टेक केयर ऑफ लॉ, तीनों के ऊपर डिसाइड कर दिए गए, है ना. अब चलते चैप्टर के बैग आता है कि 2002 क्लासमेट रुवंशी का स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 और दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी. दे आर गोइंग टू डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर नेचर. और दे फॉर दैट दे प्रिपेयर सम क्वेश्चन आयर टू आस्क देयर क्वेश्चन टू आस्क देयर टीचर एंड आस्क जो देयर अदर क्लासमेट. सो what is going to happen, so we go through the book. But I will listen to the topic and go to the topic. Ab teacher yahan pe poochte hain, teacher today we will discuss about various institution of our government and their past. Yahan pe teacher kya hai, jo jo aapki institutional government ki jo jo institution hai usko discuss karte hain. To yahan pe sabse pehle discuss kiya gaya hai the president ke bare mein. Iske bare mein discuss karne ja rahe hain hum log. जो क्वेश्चन आया है वो है आपका किसके बारे में, अबाउट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट टीचर इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम इंस्टीट्यूशनल जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड देयर पास. ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बुक ऑफ द प्रेसिडेंट. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ एनी ऑफ आवर प्रेसिडेंट नॉमिनल है. प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री. यह नॉमिनल हेड है, क्यों नॉमिनल हेड इसलिए कहा गया है कि दे है नॉट पावर, पूरा पावर इनके पास नहीं है. ओके, लाइक रबर स्टैंप, डिसीजन हमने डिसीजन ले लिया, हमने डिसीजन ले लिया, यू हैव टू प्रूफ इट, यू हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू साइन इट, आप इसको ऑर्डर कर दें मैंने यह डिसीजन ले लिया. दे आर प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल है. ओके, और इस सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट का आप कहते हैं सेंट्रल लेवल पे होता है, क्या होता है सेंट्रल लेवल का.
से होता है फैसिलिटी का, और ही इज योर सी जो हम योर सी इज नॉमिनल है, क्या बाबू इज नॉमिनल है। ओके अब टीचर जो है आपके द प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ द सेंट्रल लेवल, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज वेस्टेड विद द रियल पावर, तो सारा जो पावर किसके पास है जो प्राइम मिनिस्टर के पास, किसके पास प्राइम मिनिस्टर के पास विद द प्राइम मिनिस्टर। ओके मिस्टर हेवेस्टेड विद द रियल पावर, सो सारा पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके हेड होते हैं और सारा पावर इनके पास होता है, ये हमारे यहाँ है रियल हेड, क्या हो गया बाबू ही इज द रियल हेड। ओके ही इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, द टोटल पावर आर इन हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके और द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, ये जो सारा पावर स्टेट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे हैव टू आंसर देयर पीपल उन्हें सिटीजन लेजिस्लेचर को दे हैव टू आंसर द लेजिस्लेचर पीपुल द प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर इज द वट इज द लेजिस्लेचर इज द लेजिस्लेचर इज द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, लेजिस्लेचर है वह लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसी से हमारा लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन होता है। ओके तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द लेजिस्लेचर टुवार्ड्स द पीपल। ओके नाउ जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस चैप्टर दैट इज आस्क्ड टू द टीचर व्हाट इज लेजिस्लेचर। ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द आस्क्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बुक व्हाट इज लेजिस्लेचर, व्हाट इज लेजिस्लेचर। ओके दैट इज क्वेश्चन अभी जस्ट हम डिस्कस किया था कि लेजिस्लेचर क्या है, दैट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी। ओके वन मिनट जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस योर द नेक्स्ट टॉपिक लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट एट द सेंटर, लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट, मींस पार्लियामेंट एट द सेंटर, एट द सेंटर यह जो आपका डिस्कशन क्या है जो सेंटर पे लेवल पे पार्लियामेंट है ना, इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल एक्सरसाइज पीपल जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किस चीज में डिसीजन मेकिंग में, और किसके थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट डिस्कस किया था थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल डायरेक्टली कैन नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दे पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव दे एक्सरसाइज देयर पावर इनडायरेक्टली। ओके थ्रू फॉर दैट दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज के द्वारा अपने जो पावर को दिया गया वोट का अधिकार है जो पोलिटिकल पावर उसके द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने पावर को क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हैं और इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसमें क्या होता है पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, वे अपने रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं बाबू इलेक्ट करते हैं। ओके और दिस रिप्रेजेंटेटिव मेक्स अप द लेजिस्लेचर, और जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही लेजिस्लेचर फॉर्म होता है, लेजिस्लेचर फॉर्म किसके द्वारा होता है जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा उनसे मिलके आपका लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में या फिर से डिस्कस कर लेते हैं यहां पर फिर से समझ लिया जाए
कि जो लेजिस्लेचर का जो परमिशन होता है वह जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू यूनिवर्सल लर्न फ्रेंचाइज पीपल हैव पावर टू वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था पीपल हु कवर द एज ऑफ 18 ईयर दे हैव पावर दे हैव अ राइट टू वोट। जो पीपल 18 साल को क्रॉस कर जाते हैं 18 ईयर तो हो जाते हैं उनको मिलता है राइट किसी का पोलिटिकल राइट वोट देने का राइट। दे कैन नाउ द पीपल हु कवर द एज ऑफ 18 एज 18 साल के हो जाते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है। जिसको यूनिवर्सल लर्न फ्रेंचाइज के द्वारा बताया गया है 18 साल की जो एज के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है। तो जो पीपल क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं ओके और उसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव उनके द्वारा इलेक्ट होते हैं उन्हीं से हमारा लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि आपको बात समझ आई हुई होगी ओके। ओके पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ओके और देयर इज दिस रिप्रेजेंटेटिव मेक अप द लेजिस्लेचर नोन इन आवर कंट्री एज लोकसभा एट द नेशनल लेवल एंड विधानसभा एट द स्टेट लेवल। अब समझे पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव ओके ओके यार दिस रिप्रेजेंटेटिव दी रिप्रेजेंटेटिव नोन इन आवर कंट्री नेशनल लेवल पे क्या कहते हैं नेशनल लेवल जो हमारा इलेक्शन बनता है उसे लोकसभा और स्टेट लेवल पे विधानसभा एट नेशनल लेवल नोन एज द नो रिसेप्शन एज द लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा हम तब डिस्कस करते हैं लोकसभा जो आपका है आपका क्या हो गया बाबू विधानसभा हो गया ओके इधर स्टेट लेवल गवर्नमेंट का जो लेवल है उसके अनुसार यहाँ दिया गया ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी for today फिर आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।